सेल बायोलॉजी के आज के लेक्चर में हम राइबोसोम पे डिस्कशन करेंगे। राइबोसोम इज ए टाइनी, यानी ये बहुत स्मॉल साइज ऑर्गेनेली है दैट कैन ओनली बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज ग्रेनुलर, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हमें अपेयरेंस इसकी नजर आती है एंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, और इसमें भी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसा कि इससे पहले हम न्यूक्लियोलस पढ़ चुके हैं, हम सेंट्रियोल पढ़ चुके हैं, उनकी भी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, उसी तरह ये भी एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है एंड ऑल्सो फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जिस वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, तो प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक के अंदर है, तो दोनों सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। डिस्कवरी में एक साइंटिस्ट एप्लेडे 1955 में इसको डिस्कवर किया। अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक इसमें आरआरएनए व्हिच इज 50% एंड प्रोटीन 50%, सो इट मींस एन इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए, आरआरएनए एंड प्रोटीन, जिस वजह से इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। तो राइबो न्यूक्लियो मीन आरआरएनए, आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड और साथ इसके अंदर प्रोटीन होती है। कंपोजिशन आपने इसकी याद रखनी है। इसकी प्रोडक्शन कहां पे होती है? राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियोलस इनसाइड द न्यूक्लियस। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियोलस पे बात की थी, और न्यूक्लियोलस भी एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, तो इसका मतलब यह है कि राइबोसोम भी एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, और राइबोसोम जहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोडक्शन साइट आपने इसकी याद रखनी है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से हम कंपेयर करेंगे कि प्रोकैरियोटिक में इसका स्ट्रक्चर क्या है और यूकैरियोटिक के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है लार्ज है एंड 80s, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज स्मॉल एंड 70s। अब ये 80s 70s क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता रखना है यहां पर कि ये लार्ज है और ये स्मॉल है। ये 80s ओवरऑल जो इसकी अपेयरेंस है वो 80s होती है, और इसके अंदर दो सब यूनिट हैं, एक 60s विच इज ए लार्ज सब यूनिट, 40s इज ए स्मॉलर सब यूनिट। तो ये जो 70s है ये भी आगे दो सब यूनिट से बना हुआ है, एक 50s जो कि लार्जर है और दूसरा 30s जो कि स्मॉलर है। अब यहां सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि एस क्या होता है। एस इज ए स्वेडबर्ग सब यूनिट, दिस इज द नॉन SI यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। तो एक बात यहां याद रखनी है कि जो S है यानी कि स्वेडबर्ग सब यूनिट, ये मास का यूनिट नहीं है, ये सेडिमेंटेशन रेट का यूनिट है। अगर ये मास का यूनिट होता तो फिर 60 और 40 मिलके 100S बनाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये ओवरऑल सम नहीं है तो इससे हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि इसको इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि शायद ये दो मैसेज हैं, मैसेस नहीं है, ये सेडिमेंटेशन रेट के यूनिट है। सेडिमेंटेशन क्या होती है? जैसा कि यहां पे साइंटिस्ट का नाम है स्वेडबर्ग, ये केमिस्ट था, 1928 में इसको नोबेल प्राइज मिला। इसने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन की टेक्निक के बारे में बताया। अब सेंट्रीफ्यूज क्या होती है या सेंट्रीफ्यूजेशन कैसे होती है? सेंट्रीफ्यूजिक मशीन है जो कि सेंट्रीफ्यूजेशन करती है, यानी कि किसी भी मटेरियल को सेपरेट करने के लिए उसके अंदर उसको मटेरियल को स्पिन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों कंपोनेंट को अलग करूं तो मैं इसको सेंट्रीफ्यूज करूंगा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर। जब इसको सेंट्रीफ्यूज करूंगा तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और अलग कैसे होंगे? अपनी डेंसिटी ग्रेडियंट के मुताबिक एक दूसरे सेपरेट हो जाएंगे। मसलन ये लाइटर है, ये लाइटर जो है ये उस सॉल्यूशन में ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, क्योंकि लाइटर जो होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, वो सर ऊपर की तरफ आएंगे, और ये क्योंकि हैवियर है जिस वजह से ये उस सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉटम की तरफ जाएगा। तो जब ये दोनों कंपोनेंट ये ऊपर चला जाएगा और वहां अपनी डेंसिटी के मुताबिक एक लेयर के अंदर सेटल्ड हो जाएगा और ये नीचे जाके सेटल्ड हो जाएगा, तो when these two component are settled according to their density gradient, तो मैं कहूंगा इन दोनों की sedimentation हो गई, यानी ये अपनी अपनी density के मुताबिक जो है वो organize हो गए या arrange हो गए solution के अंदर। so this is the sedimentation and this is done by the centrifugation
और सेंट्रीफ्यूजेशन की ही एक टाइप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन है, जिसमें हम हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं जब स्मॉल कंपोनेंट को सेपरेट करना होता है, जैसा कि राइबोसोम बहुत स्मॉल है, इसको आइसोलेट करने के लिए अदर ऑर्गेनेल्स से या सेल में से इसको फ्रैक्शनेट करने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन ही यूज की जाती है। इस वजह से इसमें हमने जो यूनिट यूज किया है वो एस यूज किया है, क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने उस टेक्निक को बताया था उसी टेक्निक के जरिए ही राइबोसोम के सब यूनिट को सेपरेट किया जाता है। अब मसलन हम आते हैं इस पे कि अगर मेरे पास ये एक सब यूनिट 60S है, ये 40S। अब मैं अगर 60S जो है, क्यों हमने वर्ड यूज किया है, क्योंकि इसकी सेडिमेंटेशन रेट जो कैलकुलेट हुआ है हैवियर सब यूनिट का, उसके मुताबिक इसको 60S कहा, और 40S जो है ये इसका सेडिमेंटेशन रेट है। लेकिन जब ओवरऑल हम पूरे राइबोसोम की सेडिमेंटेशन या उसके अंदर सेंट्रीफ्यूजेशन के जरिए उसको उसकी डेंसिटी के मुताबिक अरेंज करते हैं, तो उसका सेडिमेंटेशन रेट हमारे पास निकलता है 80S आफ्टर कैलकुलेशन। सो इनको हमने सेपरेटली भी इनका सेडिमेंटेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं और ओवरऑल राइबोसोम का सेडिमेंटेशन रेट भी हम निकाल सकते हैं। तो जो जो उसकी वैल्यू होती है उसके मुताबिक हम इसको नंबर दे देते हैं। तो यहां फिर से इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये मास नहीं है, ये सेडिमेंटेशन रेट के यूनिट है। इसी तरह प्रोकैरियोट्स के लिए भी हम सेडिमेंटेशन के जरिए उसकी वैल्यूज जो है वो लिख सकते हैं। एक तो ये आपने याद रखना है कि एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग सब यूनिट, ये नॉन एसआई यूनिट है, यानी एसआई यूनिट्स नहीं है, नॉन एसआई फॉर द सेडिमेंटेशन रेट। अब इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल बायोलॉजी के लेक्चर में, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर भी राइबोसोम होते हैं, और उसके अलावा हमने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया था, उसके अंदर भी राइबोसोम होते हैं, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर भी राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम फ्री फॉर्म में भी होते हैं। एक लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी इनकी अटैचमेंट देखी थी, जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया था। तो इसका मतलब है मुख्तलिफ तरह के राइबोसोम्स हैं वो सेल के अंदर डिफरेंट पोजीशन पर जो है वो प्रेजेंट है। अब जो तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, आइदर दे आर फ्री और अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो तो होते हैं 80S, ये आपने याद रखना है। लेकिन जो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वो राइबोसोम 70S होते हैं, एंड दे आर सिमिलर टू द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और यहां फिर से हम उस बात को रिपीट करेंगे कि आप जानते हैं हमने यहां दोनों ऑर्गेनेल्स के लिए एक वर्ड यूज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट और द ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक इन ओरिजिन। तो मैंने वहां आपको बताया था कि ये दोनों ऑर्गेनेली जो कि अब यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेली हैं, पहले कभी ये बैक्टीरिया हुआ करते थे अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द हाइपोथेसिस व्हिच इज कॉल्ड द एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, लेकिन अब ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेली है। तो उसी रेफरेंस से फिर से हम एक एविडेंस की बात करें कि ये भी एक एविडेंस है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम है एग्जैक्टली द सेम एज द राइबोसोम इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अब एक और पॉइंट जो कि आपने यहां पर लर्न करना है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम ऑफ द ममेलियन सेल इज 55S। तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, 80S यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, एंड माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज आल्सो 70S। और ममेलियन सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो 55S होता है। तो ये क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लर्न करना है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम? राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज हैं, यानी कि एक फिनोमिना है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये एक डिटेल टॉपिक है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां हम समराइज करेंगे इसको कि किस तरह से ये प्रोटीन बनाने में काम करते हैं। अब यहां अगर हम इसका स्ट्रक्चर में देखें तो दो सब यूनिट हमने शो किए हैं यहां पर, यूकैरियोटिक राइबोसोम के, ये लार्जेस्ट सब यूनिट है विच इज 60S, ये स्मॉलर सब यूनिट है ये 40S है। जबकि ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तो ये एक दूसरे से सेपरेट रह होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन जैसे ही इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है दे आर अटैच ऑर्गेनाइज टू परफॉर्म द फंक्शन। अब इनकी अटैचमेंट को कौन कंट्रोल करता है? जब ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इसके अंदर है वो मैग्नीशियम आयन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, या आप कह सकते हैं कि यहां पर सॉल्ट बॉन्डिंग होती है, ये एक वर्ड आपने याद रखना है, और वो इनकी अटैचमेंट को यूज करता है। और इसके अलावा इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो आरआरएनए के अंदर, यानी राइबोसोमल आरएनए के अंदर
जो फॉस्फेट होता है उसके दरमियान, और प्रोटीन जो कि दूसरा इसका सब यूनिट है उसका, जो अमाइनो एसिड पे अमाइनो ग्रुप होता है उनके दरमियान भी बॉन्ड बनता है इनकी अटैचमेंट में। तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हो सकते हैं, और जब ये अटैच होंगे तो कैसे फंक्शन फॉर्म करेंगे। अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रोटीन बनती कैसे है, ओवरऑल फिनोमिना क्या है। एक पॉइंट है यहां पर, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। इसके अंदर कुछ स्टेप्स है, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेंट्रल डॉगमा इज द प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए। तो प्रोटीन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के पास है, तो डीएनए उन इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए को दे देता है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉगमा। अब मैसेंजर आरएनए उन इंफॉर्मेशन को लेके राइबोसोम के पास आ जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो आरआरएनए के पास आ जाता है, ताकि आपको यहां आरएनए के फंक्शन का भी पता चले। तो मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन को लेके डीएनए से आया राइबोसोम के पास, और राइबोसोम में क्या होता है, कौन सा आरएनए, आरआरएनए, तो वो आरआरएनए के पास आ गया और यहां आके राइबोसोम के साथ अटैच हो गया, और राइबोसोम के दोनों सब यूनिट आपस में अटैच हो गए। लेकिन यहां एक पॉइंट जो कि आपने नोट करना है कि ये मैसेंजर आरएनए mRNA, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होता है, लार्जर के साथ ये अटैच नहीं होता, लार्जर सब यूनिट भी स्मॉलर के साथ अटैच होता है। तो यहां अगर ये सवाल आ जाए कि मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के कौन से सब यूनिट के साथ अटैच है, स्मॉलर के साथ है, लार्जर के साथ है, दोनों के साथ अटैच होता है, तो आपने बताना है कि मैसेंजर आरएनए सिर्फ स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होता है, और ये अटैचमेंट यहां स्मॉलर सब यूनिट के साथ होगी, लार्जर सब यूनिट भी स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच हो गया। तो ओवरऑल ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया दिस इज कॉल्ड द पॉलीसोम। अब पॉलीसोम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, इसमें ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच विद द सेम स्ट्रैंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए, दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स व्हिच इज कॉल्ड द राइबोसोम, एंड दिस विल हेल्पफुल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब कैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो हेल्पफुल होगा, अब देखें ये जो स्मॉलर सब यूनिट है जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ा है, ये मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा कि उसके पास किस तरह की प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है, अब वो तो उनको रीड करना शुरू कर देगा। और जो लार्जर सब यूनिट हैं यहां पर अमाइन एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना शुरू कर देंगे। अब यहां इन जो अमाइन एसिड है इनको कौन लेके आता है, तो यहां जो तीसरी फॉर्म है आरएनए की वो भी इन्वॉल्व होती है। दो आरएनए हम पहली बात कर चुके हैं कि मैसेंजर आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आया है, किसके पास आया, राइबोसोमल आरएनए के पास जो कि राइबोसोम के अंदर है। तो राइबोसोमल आरएनए दे विल प्रोवाइड ए साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए जो कि अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड को कौन लेके आएंगे, ट्रांसफर आरएनए, दे विल पिक अप द अमाइनो एसिड और वो आकर अटैच होंगे लार्जर सब यूनिट के साथ, और साथ ही वो कोड जो होंगे जेनेटिक कोड उनको रीड करेंगे मैसेंजर आरएनए पर, और उसके मुताबिक अमाइनो एसिड को अटैच करना शुरू कर देंगे। तो ट्रांसफर आरएनए का क्या फंक्शन हुआ, दे पिक अप द अमाइनो एसिड्स एंड अरेंज देम इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑन मैसेंजर आरएनए, कि किस तरह की इंफॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए पर, तो कितने अमाइनो एसिड होंगे किसी प्रोटीन के अंदर, उनका सीक्वेंस क्या होगा, ये सारा कुछ मैसेंजर आरएनए बताएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन उसके पास है। तो आप ये देखें कि ट्रांसफर आरएनए यहां अमाइनो एसिड को लाते जाएंगे और वो आपस में जुड़ते जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, चेन लंबी हो रही है, और जैसे ही वो चेन कंप्लीट हो जाएगी तो वो चेन वहां से रिलीज हो जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आप यहां पर देखें कि तीनों आरएनए इन्वॉल्व है प्रोटीन बनाने के लिए। ओवरऑल जो ये कॉम्प्लेक्स है दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द पॉलीसोम, और ये प्रोटीन प्रोडक्शन या ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाने में जो है वो रोल प्ले कर रहा है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। सो ओवरऑल इस लेक्चर के अंदर हमने जो राइबोसोम है उसके स्ट्रक्चर को, उसके अंदर जो वेरिएशन है उसको स्टडी किया अलोंग विद देयर फंक्शंस।